अम्मा, मेरा बेचारा मोहसिन अब बिल्कुल बेकसूर है। उस कमीने घटिया इंसान ने मेरे बेचारे मोहसिन को ना मुफ्त में गिरफ्तार करवा दिया, फंसाया है उसको। कसूर नहीं था, रिश्वत। 5 लाख रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं वो। कोई रिश्वत नहीं ली, साजिश है उस बेचारे के खिलाफ। अच्छा, इस बात का फैसला तो कोर्ट ही करेगी। कोर्ट? जोया, तुम्हारे अब्बू कोर्ट में हमारी मदद करेंगे ना? मेरे पापा आपकी हेल्प क्यों करेंगे? क्यों? क्या मोहसिन तुम्हारा कुछ नहीं लगता? और वैसे भी मुसीबत के वक्त अपने ही अपनों के काम आते हैं, और क्या? सही कहा आपने, अपने ही अपनों के काम आते हैं, लेकिन वो अपने जो छुपे दुश्मन ना। कौन है तुम्हारा दुश्मन? जोया बेटा, मैं तो कहती हूँ कि ये जो गिले शिकवे ना, इन्हें खत्म कर दो, ये मुनासिब वक्त नहीं है। और बेटा, अम्मी यही मुनासिब वक्त है, और मुझे मत रोके। जरा मैं इनकी गलत फहमी तो दूर कर दूं। मैं, बाबा या बिलाल आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। मसला क्या है, मुझे भी तो पता चले कौन है तुम्हारा दुश्मन। आप? मैं? मुझे तुम अपना दुश्मन कह रही हो? लो भाई सुन लो, इतने जतन किए कि इसकी और बिलाल की शादी हो जाए, सब मेरी वजह से हुआ। बस बस, आपने कोई कोशिश नहीं की, और ना ही आपका कोई एहसान है मुझ पर। मेरी और बिलाल की शादी इसीलिए हुई है क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश से ही हमारी शादी हुई है, जिसका क्रेडिट हमेशा यही लेती रही है। लो भाई, ये सिला मिल रहा है मुझे। अम्मा, आप तो जानती है ना, मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था ना कि अरुषा की कितनी प्यारी सी दोस्त है जोया, उसकी हम बिलाल से शादी करवा देते हैं। और मैंने मैंने बिलाल को राजी किया था इस शादी के लिए, और ये सारा क्रेडिट खुद ही ले रही है। भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल, तो किसी से भलाई नहीं करनी चाहिए। मैं इसको अपनी छोटी प्यारी सी बहन समझती थी, और आज इसने मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। भाई, और मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा, आपको इज्जत दी, आपका एहतराम किया, और आपने क्या किया? हसद और इंतकाम में मुझसे मेरी औलादे छीन ली। मैं आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। आपको दुनिया और आखिरत में इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। क्या बकवास है ये, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। माँ, आप तो देख रही है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे मुजरिम ना जुर्म करने के बाद अपनी सजा इतनी आसानी से नहीं कबूल करते। मेरे पास सबूत है, इसलिए मेरे मुंह तो लगने की जरूरत नहीं है। साइमा, देखो मजीद झूठ बोल के ना अपने आप को तुम इस तरह से मत गिराओ। मैं तो कहती हूँ माफी मांग लो उससे। देखो गलती तुम्हारी है, उसके पास ऐसे सबूत हैं कि तुम्हें जेल भिजवा सकती है वो। कोई सबूत नहीं है, हवा में तीर चला रही है, बकवास कर रही है ऐसे ही कुछ भी। अरे साइमा, ये वकील की बेटी है, बहुत समझदार है। मैं तो कहती हूँ ये झूठ बोलना बंद करो, और सीधी तरह से उसके पांव पकड़ के माफी मांग लो।